गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट ऑफ सिविक्स चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ असाइनमेंट इज़ मेंशन टू क्लासिकल एंड टू फोक डांसिस ऑफ इंडिया आपको दो क्लासिकल और दो फोक डांस बताने हैं इंडिया के सो क्लासिकल डांसिस भारत एंड कथक एंड फोक डांसेस बीहू एंड गरबा ठीक है जो क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम और कत्थक है और फोक डांस जो है वो बीहू और गरबा है हमारे इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को आपको डिफ़ाइन करना है डाइवर्सिटी इज़ द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर डाइवर्सिटी क्या है ये वो स्टेट है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं ठीक है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देर इन इंडिया कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज़ हैं हमारे इंडिया में सो देर आर ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेजस इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म इन इक्वालिटी इनक्वालिटी से आप क्या समझते हैं Differences in social, economic, and political spheres leads to inequalities. अब ये जो विविधता होती हैं जो changes होते हैं social, economic और political sphere में मतलब कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पर इन ये सारी जो विविधता है जो differences होते हैं ये क्या cause करते हैं इनक्वालिटी और इसी को हम क्या कहते हैं inequality. नेक्स्ट क्वेश्चन टू मेन स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया आर दो मेन स्कूल्स जो म्यूज़िक के हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक ठीक है हिंदुस्तानी इज़ दी नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ इंडिया एंड कर्नाटक इज़ दी साउथ इंडियन स्कूल ऑफ इंडिया ठीक है ये दो स्कूल uh, जो है, ये main schools हैं ये मेन स्कूल्स हैं म्यूज़िक के इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है जो जिसमें अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक ग्रुप होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक ही समाज के अंदर उसे हम कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक डांस क्लोथ्स एक्सेट्रा है ना इनके कल्चर्स जो है इनकी संस्कृति जो है वो अलग अलग होती है लेकिन ये रहते एक ही सोसाइटी में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ अवर नेशनल गेम हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है हॉकी ओके हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम नेक्स्ट क्वेश्चन मैंशन द टू मेन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आपको दो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज बताने हैं हमारी इंडिया की सो दे आर हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश जो है ये दो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं हमारे इंडिया की हिंदी इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द सेकेंडरी लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन विच फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रभावित करते हैं सो दे आर जोग्राफिकल फैक्टर्स ठीक है जो जोग्राफ़िकल फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं लिंग्वस्टिक डाइवर्सिटी हेज़ एडेड अ ग्रेट वराइटी टू इंडियन लिटरेचर जो हमारी इंडियन लिटरेचर है उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ने एक ग्रेट वैरायटी ऐड की है अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ़ इंडिया हमारे uh, भारत के लोग जो हैं वो कई तरह के लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोलते हैं सो दे आर दिस इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ठीक है ये जो डिफरेंट लिटरेचर है डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं ये जो डायलेक्ट्स हैं दिज आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ओके सो स्टूडेंट्स हेयर वी हैव Finish the discussion of assignment chapter one understanding diversity. Thank you.